सीएम बनते ही हेमंत सोरेन ने 8 बड़े फैसले लिए हैं। जी हां, सरकार गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इसमें अहम 8 फैसले लिए गए हैं। चलिए उन 8 फैसलों के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला फैसला, मंत्रिपरिषद द्वारा पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण को शपथ प्रतिज्ञापन होने के बाद वहां पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी नव निर्वाचित विधानसभा सदस्य को नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करने का निर्णय लिया। दूसरा, इसके अलावा 6 जनवरी 2020 में 8 जनवरी 2020 तक निम्न औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार आहूत करने की स्वीकृति दी गई है। 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान होगा। 7 जनवरी को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम होंगे। इस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है। तीसरा है, मंत्री परिषद के द्वारा झारखंड राज्य के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया जाएगा। चौथा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसके अंतर्गत काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप पत्थलगढ़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है उस मामले को वापस लेने का निर्णय पर विचार विमर्श होगा। पांचवा है, राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें तुरंत भरने का निर्देश दिया गया। और छठा है कि महिलाओं और अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न का मामला। और सातवां है, सभी जिलों के उपायुक्त और विभिन्न प्रकार के अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों, सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां और पारा शिक्षकों से संबंधित लंबित भुगतान पूर्ण कराने के लिए प्रखंड पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर कार्रवाई की जाएगी। और आठवां है, उपायुक्त तुरंत अपने अपने जिलों में गरीब और पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल बांटे, टोपी वितरण करें, मतलब ठंड से राहत देने की पूरी तैयारी कर ली गई। इस तरीके से बहुत ही बड़ी रूपरेखा तैयार की है और 8 बड़े फैसले लिए हैं। झारखंड राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और स्वर्णिम भविष्य के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना असर पड़ता है इससे झारखंड में। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।